This is really heavy. Hello everyone, welcome back to my channel. So here I am with another video. So आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो जो सामान मैंने अपने घर के लिए लिया था, नए घर के लिए. काफ़ी टाइम हो गया, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी. हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं. मैंने बहुत पहले मंगा लिए थे सारा सामान, बट कोई बात नहीं, मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी सारी चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न. सो दिस इज़ एन अमेज़न हॉल वीडियो. मैंने ऑलरेडी एक अमेज़न हॉल पे बनाया हुआ है वीडियो, आई थिंक 7-8 महीने पहले मैंने डाला था, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी. आई बटन यहाँ पे डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं जाके. सो दिस इज़ माई सेकेंड अमेज़न हॉल वीडियो. विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट. ओके, इस वीडियो में आपको मैं अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाऊंगी, साथ में मैं ये भी दिखाऊंगी कि हाउ आई अरेंज देम. वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दिस टेबल लैम्प. ये मैंने अपने बेड के साइड में लगाया हुआ है. शायद अगर आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर तो आप लोग ने ये भी देखा होगा, ये मैंने अपने बेड के दोनों तरफ लगाया हुआ है. ये जूट के वर्क में है, यू कैन सी. इसके अंदर होल्डर आता है लाइट का, ये इसके साथ लाइट नहीं मिलती है, मैंने अलग से लगाया, आप लोग भी लगा सकते हैं किसी भी कलर का. एंड इट इज़ रियली रीजनेबल और ये बहुत ही एस्थेटिकली क्यूट लगता है. यह अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है अमेज़न पे, मैं आपको लिंक दे दूँगी. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आप देख सकते हो मैंने अपने टेबल के ऊपर नहीं लगाया है, मैंने अलग से एक ट्रे लेके उसको फिक्स करवा के उसके ऊपर रखा है ताकि ये और सुंदर लगे. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी साइड टेबल लैम्प है. ये मैंने अपने दूसरे बेडरूम के लिए मंगाई है. यू कैन सी हाउ क्यूट इट इज़. इसका जो मटेरियल है और जो ये राउंड वाला मटेरियल है दोनों का लगभग सेम ही है. दोनों का कलर भी एकदम सेम है, टेक्स्चर भी सेम है, बस शेप अलग है. एंड कॉस्ट भी इन दोनों का बहुत अलग है. आई विल शेयर इट. एंड दिस इज़ माई अनदर रूम. ये मैंने दोनों साइड्स में लगाया है. यू कैन सी लाइट्स ऑफ करके ये और सुंदर लगता है. सो नेक्स्ट इज़ दिस वुडन ट्रे. इसका कॉस्ट भी बहुत ही प्यारा है. मैं आपको सबके जो रेट्स हैं नीचे आपको शो कर दूंगी. आप इसको सर्विंग ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हो या किचन में आप इसमें सामान रख सकते हो. मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे इसका यूज़ किया है. द मटीरियल इज़ रियली गुड. ये ओरिजिनल वुड यूज़ किया गया है इसमें. यू कैन सी द टेक्स्चर. मैंने इसको अपने तरह से स्टाइल किया है, आप इसमें फ्लावर्स भी रख सकते हो. नेक्स्ट इज दिस माइक्रोवेव कवर. दिस इज दिस लॉन्ग. मटेरियल इज रियली गुड और ये येलो कलर में है. इसमें पॉकेट्स भी हैं साइड में. मुझे ब्राइट कलर्स पसंद हैं क्योंकि वो एनहेंस करते हैं उस जगह को. दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये बहुत ही एंटीकी लुक देता है आपके घर को. ये वुडन है. दिस इज़ अ रियल वुडन. इट कैन बी रिमूव्ड लाइक दिस. आप इसको ऐसे लगा सकते हो. इट रियली गुड लुकिंग. एंड ओके, सो इन होल्डर्स के साथ मैंने ये कैंडल्स भी मंगवाए हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लगेगा. ब्लैक वाइट तो आई थिंक सभी यूज़ करते हैं कलरफुल. ब्लैक मैंने नहीं देखा है लगभग यूज़ करते हुए. यू कैन सी मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है. एंड इसमें आई थिंक 12 पीसेज आते हैं एक बॉक्स में. मैंने 2 बॉक्सेस मंगवाए हैं. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एकदम एंटीक तरीके का एक लुक देता है. नेक्स्ट इज़ दिस रैक. दिस इज़ ऑल्सो वुडन. मुझे वुडन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, तो मैंने ट्राई किया जितना वुडन हो पाएगा मैं लूँगी. एंड इसमें मैंने रखा है प्याज और आलू. आप लोग भी कुछ भी रख सकते हो लाइक फ्रूट्स एंड ऑल. इट इज़ रियली क्यूट लुकिंग रैक एंड इट इज़ टिल्टेड वन. तो मैंने इसमें आलू और प्याज रखे हैं. ये साइड से टिल्टेड है, स्ट्रेट वाला भी अवेलेबल है. नेक्स्ट है वो बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए. ये मैग्नेट है, फ्रिज में आराम से ही लग जाता है. पीछे से इट इज़ लाइक दिस. आप इसमें लिख सकते हैं कुछ भी. इसके साथ मार्कर और एक डस्टर फ्री है. ये भी मैग्नेट है, ये फ्रिज में लग जाता है. एंड यू कैन राइट एनीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद आ रहा है या कुछ चीज़ें मंगवानी है वो सब आप लिख सकते हो. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आप भूलना नहीं चाहते, या कुछ सामान आपको मंगाना है तो वो मैं इसमें लिख लेती हूँ. एंड ये अच्छे से रिमूव भी हो जाता है और अच्छे से चिपक भी जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ दिस किचन ऑर्गेनाइजर रैक.
आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किचन में भी, बाथरूम में भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें सारा सामान रखने के लिए। इट रियली लुक्स गुड। मैंने इसमें सारे ऑयल्स, चीनी एंड पेपर सब कुछ रखा हुआ है। दिस टिश्यू होल्डर फॉर योर किचन, ये मैंने किचन के लिए मंगवाया है। इट इज़ लाइक दिस, इसमें आप टिश्यू लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी टू यूज़ है ये। इसके साथ ये होल्डर भी आई थिंक इसी के लिए है ताकि उड़े ना और ईजिली आप यूज़ कर लें। एज यू नो माई डाइनिंग टेबल इज़ अराउंड इन शेप, तो मुझे जो मैट चाहिए थे उसके लिए, खाना खाने के लिए उसके नीचे रखने के लिए, तो मैंने मंगाया है राउंड वन, मुझे बहुत मुश्किल से मिले, बट आई फाउंड दीज। दिस इन्हेंस्ड माई होल डाइनिंग एरिया। इज दिस पैम्पर्स ग्रास, ये मुझे बहुत पहले से चाहिए था, ये मैंने देखा था पिंटरेस्ट में, इसको बहुत यूज़ करते हैं लोग एंड इट लुक्स रियली गुड, सो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको एक बड़े से जग में रखा है जो मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फेक प्लांटर्स में, ये मैंने दो प्लांट्स मंगवाए थे ऑनलाइन जो आर्टिफिशियल है मेरे घर पे, बाकी सारे ओरिजिनल है। पता है मुझे कि ओरिजिनल लगाना चाहिए बट मेरे से रुका नहीं गया, इट रियली लुक्स गुड, सो दिस इज इट। ये एक प्लास्टिक पॉट के साथ आता है एंड इट इज़ दिस लॉन्ग। दूसरा जो है ये हैंगिंग में है, वुडन पॉट के साथ आता है ये, और ये क्रीपर है आर्टिफिशियल, इट इज़ आर्टिफिशियल एंड इट रियली लुक्स गुड, इट इज़ वेरी लॉन्ग, आप इसको अपनी तरह स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये बॉटल्स हैं, ये स्क्वायर शेप में है, ये मल्टी कलर में मैंने मंगवाया है, ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है। ये 6 का सेट है, मेरे दो आई थिंक गाड़ी में रखे हैं, एक फ्रिज में रखा है, सो मैंने अभी 3 ही दिखाए हैं आपको। इट इज़ फ्रॉम फ्रॉस्टी करके, सो आप इसको ईजिली बंद कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि कम स्पेस लेते हैं और आगे पीछे एक दूसरे के आ जाते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम है वो है एक्रेलिक डेकोरेटिव मिरर वॉल स्टिकर्स, 3D स्टिकर्स फॉर वॉल, छोटे छोटे स्क्वायर में आपके आते हैं, मैंने उसको मैं अभी आपको नेक्स्ट में दिखा दूँगी कि हाउ आई यूज्ड इट। इट रियली लुक्स गुड, इसमें 3 कलर अवेलेबल है, गोल्डन, सिल्वर एंड ब्लैक, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, लगता है एकदम रियल मिरर है, ये आपके एक पोर्शन को अच्छे से ब्यूटीफाई कर देता है। जो नेक्स्ट है मैंने उसमें भी सामान भरा हुआ है, तो मैं अभी वो आपको अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी हाउ आई ऑर्गेनाइज्ड इट। ड्रेसिंग टेबल के लिए मैंने मंगाया था एंड इट रियली लुक्स गुड, अच्छे से सारा जो सामान है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इसमें मैंने सारे लिपस्टिक्स, ईयरबड्स, क्लिप्स सब कुछ अरेंज करके रखा है। एंड जो नेक्स्ट है इसमें मैंने अपने सारे कॉस्मेटिक्स अरेंज कर दी हैं, और नेक्स्ट में मैंने अपने सारे ब्रशेस अरेंज किए हैं ताकि इसमें डस्ट ना जाए। सो जल्द ही मैं दूसरा नहीं तीसरा वीडियो लेके आऊँगी इसी पे अमेज़न हॉल पे, क्योंकि और भी सामान है जो मेरे पास है अभी आने भी वाले हैं और कुछ मैंने बाद में दिखाना है आपको, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल भी लगी हो। If you like this video, do like, share and subscribe. Bye-bye.